हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल में फैजान थाने जाएगा, 21 बार तिरंगे को सलामी देगा, 21 बार भारत की जय बोलेगा और हर बार पाकिस्तान प्रेम पर माफी भी मांगेगा। रील का शौक जब रियल लाइफ में कानून के सामने आता है तो फैजान जैसे भाईजान भी सुधर जाते हैं। दरअसल आप भी सोच रहे होंगे फैजान ने ऐसा क्या किया था कि उसको अब तिरंगे का सम्मान करना होगा, भारत माता की जय के नारे भी लगाने होंगे। दरअसल फैजान एक ऐसा केस है जिसको हर किसी को देखना चाहिए। जब जब कोई फैजान अपने देश की खिलाफत करता है तो उसको सबक सिखाना कैसे जरूरी होता है और कैसे सिखाया जाता है, देखिए। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। 21 बार तिरंगे की सलामी, 21 बार भारत माता का जय घोष। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान के लिए नारेबाजी करने वाला फैजान भारत माता की जय पर आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला फैजान अब तिरंगे को सलामी दे रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब कानून के सामने खड़ा होना पड़ता है तो फैजान जैसे लोगों की अक्ल ठिकाने पर आ जाती है। महीने में दो बार फैजान ऐसे ही थाने में हाजिरी लगाएगा, इसी शर्त पर जेल से बाहर आया है। अगर फिर पाकिस्तान की तरफ दिल दिखाया तो जेल जाना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाई कोर्ट की सशर्त जमानत जिस शर्त पर दी गई है वो पूरी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तिरंगे को सलामी देते नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी सलामी दी, 21 बार भारत माता के जय के नारे लगाए और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अगर भारत के विरोधी नारे लगाए जाते हैं तो जो संवैधानिक संस्था है वो सशर्त जमानत देती है। फैजान इस वक्त जमानत पर है। फैजान को एमपी हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। सलामी और जयघोष की ये अनोखी शर्त भी एमपी हाई कोर्ट ने रखी है। फैजान को बेल इसी शर्त पर मिली है कि फैजान को महीने में दो बार पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में हाजिरी लगेगी। इस हाजिरी में फैजान को रजिस्टर में साइन करना होगा और 21 बार तिरंगे को सलामी और हर सलामी के साथ भारत माता की जय बोलना होगा। फैजान को ऐसा एक दो बार नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल भी नहीं, बल्कि ऐसा तब तक करना होगा जब तक फैजान का मुकदमा खत्म नहीं हो जाता और फैजान के केस में कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुनाता। तब तक फैजान थाने में हाजिरी लगाएगा। भोपाल के मिसरौदा थाने में 10 से 12 बजे के बीच हाजिरी लगाएगा, तिरंगे को सलामी और भारत माता की जयकारा लगाएगा। ये पहली बार यहाँ थाना मिसरौद उपस्थित हुआ था तो राष्ट्रीय झंडा को इसके द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशानुसार 21 बार सैल्यूट करके भारत माता की जय का नारा लगाया गया। जो प्रकरण था वो इसी थाने का था, 17 मई 2024 की जब बात आ रही है, इसी प्रकरण यही इसी थाने का था, वायरल वीडियो हुआ था, उसमें क्या क्या कहते हुए? ये थाना मिसरौद का प्रकरण था, मेरे द्वारा इसमें FIR दर्ज करके आरोपी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जहाँ से ये जेल में निरुद्ध था तो जेल जमानत के संबंध में ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें एक कंडीशन दर्ज किया गया। कोर्ट ने ऐसी शर्त क्यों रखी, इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आखिरकार फैजान ने किया क्या था
उसका गुनाह क्या था उसे समझना पड़ेगा। फैसल उर्फ फैजान भोपाल के मंडी द्वीप का रहने वाला है। 17 मई 2024 को फैजान ने देश विरोधी नारे लगाए थे। देश विरोधी नारेबाजी की रील बनाई थी। रील जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फैजान की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने फैजान के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के तहत कार्रवाई की। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो फिर राज्य सरकार के वकील ने फैजान के क्रिमिनल रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। फैजान के खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस डीके पालीवाल ने कहा कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि आरोपी के अंदर देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, इस देश के प्रति सम्मान पैदा हो जिसमें वो पैदा हुआ और रह रहा है। इसी के बाद 50,000 के बॉन्ड पर फैजान को सशर्त जमानत मिली। इस वक्त फैजान और फैजाल जिन्हें अपनी गलती का भी एहसास है और इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे बात भी करते हैं। फैजल, आज आपने सैल्यूट किया है तिरंगे को, उसी तिरंगे को सैल्यूट किया है जिसके लिए आपके मुंह से कुछ शब्द निकले थे जिसके कारण जेल जाना पड़ा, तो कैसा महसूस हुआ है? बहुत गलती से महसूस हुआ है। इस गलती से महसूस है मेरे को कि मैं जिस तिरंगे के चक्कर में, मैं जिस तिरंगे में रहता हूँ उस तिरंगे के खिलाफ मैंने बोल दिया गया। हाँ। वीडियो बना रहा था, एक रील बना रहा था, उसके चक्कर में मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। हाँ। तो मेरे पे सही हुई कार्रवाई। हाँ। ऐसा नहीं है, सही हुई। तो अब आपको क्या एहसास हो रहा है, मन से क्या लग रहा है? तो आप लंबे समय तक थाने में भी, जेल में भी रहे, जब हाईकोर्ट का निर्णय आया तो क्या लगा? बहुत गलती का एहसास है मुझे, बहुत महसूस है। सजा में 5 महीने काट के आया हूँ और मुझे हाईकोर्ट ने जो पालन दिए है वो मुझे करना है। फैजान जब मिसरौत थाने में जमानत की शर्त को पूरा करने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने पूरी तैयारी भी की। फैजान की सलामी से पहले पुलिस ने साफ सफाई और पेंटिंग का काम किया। खुद पुलिस वालों ने इसकी तैयारी की और फैजान की सलामी के दौरान झंडारोहण के प्रोटोकॉल का पालन भी किया। फैजान की सजा की पहली किस्त पूरी हो चुकी है। फैजान की सलामी का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और अब लोगों को अगले महीने के दूसरे मंगलवार का इंतजार है, जब फैजान ऐसे ही भारत के जयकारे और तिरंगे को सलामी देते हुए नजर आएगा।